ऑलराइट गाइस, तो लाडली बहना योजना के फॉर्म्स भरने चालू हो गए हैं और ये वीडियो है खास करके मामा जी की सभी बहनों के लिए। तो लाडली बहना योजना का फॉर्म भरने के लिए एक बहुत जरूरी चीज है, वो है आपके समग्र आईडी का आधार कार्ड से लिंक होना, यानी कि आपकी समग्र आईडी की ई केवाईसी होना। तो आज की इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि आप अपनी समग्र आईडी का ई केवाईसी यानी कि अपनी समग्र आईडी को अपने आधार कार्ड से कैसे लिंक कर सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत ज्यादा आसान है, बस आपको अपने फोन में सर्च करना है समग्र आईडी केवाईसी। तो यहाँ पर पहली वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, अपने आधार को अपनी समग्र आईडी से लिंक करें तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने आ जाएगी। समग्र पोर्टल में ई केवाईसी करने के लिए क्लिक करें तो इस पर आपको जो है क्लिक कर देना है, और अगर ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास नहीं आती है तो आपको जो है थोड़ा सा नीचे आना है और तो यहाँ पर आपको ई केवाईसी करें इस नाम से एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और फिर नई वेबसाइट ओपन होगी जहां पर आपको अपनी समग्र आईडी लिख देनी है और उस वेबसाइट पर जो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है वो आपको कैप्चा कोड लिख देना है और यहाँ पर आपको अपनी समग्र आईडी से पंजीकृत मोबाइल नंबर लिख देना है और फिर ओटीपी भेजने पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को लिख देना है और इसके बाद जो है आपको सुरक्षित करने पर क्लिक कर देना है और इसके बाद नया पेज ओपन होगा जहाँ पर आपकी समग्र आईडी से रिलेटेड आपकी सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी और जो है इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर लिख देना है और ओटीपी द्वारा पर आपको क्लिक करके यहाँ पर इसे टिक कर देना है और जो है आपको फिर आधार से ओटीपी का अनुरोध करें इस पर क्लिक कर देना है। अब इसमें जो है आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा तो उसे आपको जो है यहाँ पर लिख देना है और स्वीकार करने पर आपको क्लिक कर देना है और इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स जो कि आपकी समग्र आईडी के द्वारा और आपके आधार कार्ड के द्वारा ली गई है उसको आपको चेक कर लेना है और यहाँ पर टिक कर स्थानीय निकाय को अनुरोध करें इस पर क्लिक कर देना है और ये देखिए 24 घंटे के अंदर आपकी समग्र आईडी की ई केवाईसी हो जाएगी, मतलब आपकी समग्र आईडी आपके आधार कार्ड से लिंक हो सकती है। और गाइस, ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो जल्दी से फॉलो सब्सक्राइब करें और हमें आप चलिए अगले वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू, राधे राधे।